हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ दही का फेशियल। तो फ्रेंड्स, ये जो फेशियल होता है फेस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो मैं आपको उसके 3 स्टेप करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश दही, तो आप चाहें तो रखा हुआ दही भी ले सकते हैं, ये आपकी स्किन को ओवरऑल बहुत अच्छा करेगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, क्लिंजिंग करना है फेस पे। क्लिंजिंग से हमारा फेस बहुत ही बढ़िया रहता है। तो थोड़ा सा दही लेना है, मैं दही से ही क्लिंजिंग कर रही हूँ, और इसको इतने अच्छे से मसाज करनी है कि आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इससे क्या होगा, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो हटने में हेल्प मिलेगी, और इसमें अगर आप कुछ बूंदे दही की मिलाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बस मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर दही का ही किया है, दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और आपको बस इस तरीके से अपने हैंड को घुमाना है सर्कुलर मोशन में, और अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। और इस फेशियल को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था लगभग हो चुका है। उसके बाद हम इसको अच्छे से अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर लेंगे, और इसको हल्का सा ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप मेरा पूरा हो चुका है। बस आपको इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, आँखों पे, नेक पे, गर्दन पे, आप चाहे तो गर्दन पे भी कर सकते हैं, और आप अपने आई बैग्स पे भी करिए, क्योंकि जो हमारे काले घेरे हो जाते हैं आई पे, उस पे इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है, तो हमें बनाना है स्क्रब। तो मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच दही, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। तो फ्रेंड्स, शुगर जो होती है हमारे फेस की क्लिंजिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो शुगर ऐड करके अगर आप अपने फेस का क्लिंजिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट नज़र आएगा। तो इसमें ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से इसको अपने फेस पे लगाना है, और अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने फेस की मसाज कर लेनी है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा ग्लो नज़र आएगा, और जिनकी स्किन बहुत ही लूज़ होती है उनकी टाइटनिंग के लिए बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा वर्क कर। तो इस तरीके से आपको अपने फेस की पूरे से मसाज कर लेनी है, अपर लिप्स की, फोरहेड की और अंडर आइज़ की। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है, अच्छे से दोनों हाथ से आप मसाज कीजिए। और अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं आता है तो बस आप अपने हाथों को इस तरीके से गोलाकार अपने फेस पे घुमाइए, तो चीनी से बहुत ही अच्छी क्लिंजिंग होगी। और दही में फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये एक प्राकृतिक फेशियल होता है, नेचुरल फेशियल होता है हमारे फेस के लिए, जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारे फेस पे। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे फेस पर थोड़ा निखार आने लग गया है, इससे जो हमारे फेस की डर्ट वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको याद रखना है, आपको इसको यूज़ करने से पहले अगर आपके फेस पर मेकअप वगैरह है वो रिमूव कर लेना है, वो आप दूध और कॉटन लेके हटा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा सेकंड स्टेप भी लगभग पूरा हो गया है। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप, यानी कि पैक लगाना है हमें। तो मैंने लिया है दही, और दही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल। आप चाहें तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं फेस पैक लगाने के लिए। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मुझे ये बहुत अच्छा सूट करता है ये वाला फेस पैक दही में एलोवेरा जेल लगा के। तो ये इस तरीके से मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, इससे आपके फेस की टैनिंग भी दूर होगी, और आपकी जो स्किन ड्राई है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दही से। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। इससे आपका जो फेस है बहुत ही अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको लगा देना है, हल्की सी मसाज करने के बाद इसको अपने फेस पे आप छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, और फिर मैं आती हूँ आपसे फेस को क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, और रियली में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको 1 हफ्ते लगातार यूज़ कर लेते हैं बिना कोई साबुन फेस वॉश यूज़ करे हुए, तो आपका फेस बहुत ही निखर जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।